विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में विश्व कल्याण व विश्व शांति के लिए 9 दिन से चल रहे गुप्त नवरात्रों का आज विधिवत पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। विधायक संजय रतन ने भी यज्ञशाला में हवन की आहुतियां डाली व पूर्णाहुति में भी साथ रहे। आचार्य अविनेंद्र शर्मा ने विधायक व पुजारी व विद्वानों का हवन संकल्प व तर्पण का समापन करवाया। विधायक संजय रतन ने कन्या पूजन व प्रसाद के बाद सभी अनुष्ठान पर बैठे पुजारियों पंडितों को आवरणी व दक्षिणा दी। आचार्य व पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि इन गुप्त नवरात्रों में गणपति गायत्री बटुक भैरव का 5 लाख व ज्वालामुखी मूल मंत्र 11.25 लाख की संख्या में किया गया। इसके साथ दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ भी किए गए और आज दशांश हवन यज्ञ करके पूर्णाहुति के साथ सभी जप पाठ का समापन किया गया। उन्होंने बताया कि मां के आशीर्वाद से विश्व में शांति व जन कल्याण की भावना हो, इसी उद्देश्य की कामना के लिए यह अनुष्ठान किया गया। जो है वो गुप्त नवरात्रों का समापन हुआ और मां ज्वाला के चरणों में जो है वो जो लोग पाठ में बैठे थे और हम सब ने जो है वो यहाँ पे आज हवन किया और मां से प्रार्थना की कि पूरे विश्व का जो है वो कल्याण हो, हमारे हिमाचल प्रदेश का कल्याण हो, हमारे जो है नागरिक ज्वालामुखी के स्वस्थ रहें, पूरे भारत के नागरिक स्वस्थ रहें, पूरे विश्व के नागरिक स्वस्थ रहें और हम लोग जो है वो तरक्की करें और माँ का आशीर्वाद जो है वो सबके ऊपर बना रहे, यही आज हमने जो है वो प्रार्थना की। जो है वो ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे विश्व से जो है वो श्रद्धालु जो है माँ ज्वाला के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दर्शन करने में और किसी प्रकार की मंदिर में आने की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और मैं प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकर जल्दी ही उचित निर्णय लेकर जो है वो हम हर सुविधा जो है वो उन यात्रियों को मुहैया करवाना चाहेंगे। यात्रियों के साथ साथ जो हमारे स्थानीय नागरिक हैं, जो हमारे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के नागरिक हैं या हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं, उनको भी वो सुख सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से माँ के दर्शन कर सकें और आशीर्वाद ले सकें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।